हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म काबिल के बारे में। हाल ही में काबिल फिल्म का पहला टीजर लॉन्च किया गया है और जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म में कुछ अलग कुछ अनोखा ज़रूर होगा, सेम वैसे ही नज़र आ रहा है। पहले जो टीज़र है करीबन 46 सेकंड का, यानी कि 46 सेकंड तक का है। इसमें सिर्फ ऋतिक रोशन की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऋतिक रोशन दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं टीज़र में सिर्फ एक डायलॉग है। वो मैं डायलॉग आपको बताता हूँ किस तरह का डायलॉग है। इस डायलॉग में कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन बोलते हैं कि आपको दिखाई तो देगा लेकिन आप कुछ देख नहीं पाएंगे, आपको सुनाई तो देगा लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाओगे, और आपको बोलना तो होगा लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाओगे, और आप सब कुछ समझ जाओगे फिर भी आप समझा नहीं पाओगे। तो कुछ इस तरह का टीज़र में कहा गया है ऋतिक रोशन के। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय गुप्ता, जिन्होंने कांटे जैसी फिल्म डायरेक्ट की है। इसके पहले उसके अलावा फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है आई थिंक लोखंड वाला, हाँ शूट आउटेड वडाला और शूट आउटेड लोखंड वाला जैसी फिल्म में डायरेक्ट की है। लास्ट फिल्म उन्होंने जज्बा डायरेक्ट की थी ऐश्वर्या बच्चन को साथ लेके। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। जिस तरह से आगे कलेक्शंस के आएंगे, इसके न्यूज़ आएंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसका ट्रेलर रिलीज़ होगा 26 तारीख को अक्टूबर में और ये फिल्म रिलीज़ होगी अगले साल जनवरी 26 को। तो जैसे इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फर्स्ट टीज़र के लॉन्च से लेकर। मुझे लग रहा है ये फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है ऋतिक रोशन के लिए। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलती आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बाय।